हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा भूख को बढ़ाने के उपायों के बारे में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोगों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो है खाना खाने की इच्छा ना होना। बहुत सारे लोग खाना खाने से परहेज करते हैं, ऐसे में दोस्तों आपको इसका इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक उपाय और कुछ घरेलू उपाय बताऊँगा, आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं और जो भी आपकी भोजन ना करने की इच्छा है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदिक इलाज की। दोस्तों, आयुर्वेदिक इलाज में आपको इस्तेमाल करना है सर्वकल्पकवात। आपको एक चम्मच सर्वकल्पकवात को 400 ml पानी के अंदर अच्छी प्रकार से पकाना है। इसके बाद दोस्तों, जब यह 100 ml रह जाए तब आपको इसे घूंट भर भर कर सुबह और शाम खाली पेट पीना है। इससे दोस्तों आपकी भूख बढ़ती है और आपको जो पाचन से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी होती है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों, मेडिसिन की बात की जाए तो आपको इस्तेमाल करनी है चित्रकादी वटी की एक गोली और उदरअमृत वटी की एक गोली। रोजाना आपको दो दो गोली सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने से जी मिचलाने की प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाती है और जो भी दोस्तों आपको भोजन खाने की इच्छा नहीं होती है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। चलिए मैं आपको एक उपाय और बता देता हूँ। आपको इस्तेमाल करना है हिंगावष्टक चूर्ण। हिंगावष्टक चूर्ण का इस्तेमाल करने से कब्ज जैसी भयानक बीमारी भी दूर हो जाती है या आपके पाचन सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। आप इसे सब्जी में मिलाकर भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे आधे से एक चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें तो आपकी कब्ज की समस्या, पाचन सिस्टम की सभी प्रकार की समस्या, भूख न लगने की समस्या सभी में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक और आयुर्वेदिक उपाय बताता हूँ। अगर आप रेडीमेड उपाय करना चाहते हैं तो उसको जान लेते हैं। आपको इस्तेमाल करना है कुमार सब। रोजाना आपको 4 चम्मच कुमार सब को 4 चम्मच पानी के अंदर मिलाकर पीना है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको घरेलू इलाज बता देता हूँ। घरेलू इलाज की बात की जाए तो दोस्तों आपको इलायची का इस्तेमाल करना है। इलायची का इस्तेमाल करने से जी मिचलाने की प्रॉब्लम दूर हो जाती है और भोजन खाने की इच्छा भी हो जाती है। आप चाहें तो दोस्तों अदरक या नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नींबू के रस पर काला नमक लगाकर भी खा सकते हैं। इससे जी मिचलाने की प्रॉब्लम दूर हो जाती है और ये आपकी भूख को बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे इस चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी। दोस्तों, हमारी यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।